अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये प्रैंक स्पॉन्सर किया है आइकॉन प्लस ने। इनकी ओवर 45 प्रोडक्ट्स हैं कार केयर के हवाले से। ये आसिम सनाटा आपको बताएंगे कि इनके पास क्या क्या है। इनकी 45 प्रोडक्ट हैं जिसको जो कार के हर हिस्से के काम आने वाली चीज़ें हैं, जिसमें डैशबोर्ड पॉलिश भी है, इंजन पॉलिश भी है, टायर शाइनर भी है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनके मैं नाम आप इस पूरे नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, अगर आपको इनकी और डिटेल चाहिए आइकॉन प्लस के प्रोडक्ट के हवाले से, तो इनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इनकी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो जरूर विजिट कीजिएगा इनके चैनल को, इनके फेसबुक पेज को। आइकॉन प्लस, चमकाए जिंदगी। वालेकुम सलाम। एक किलो दूध, एक किलो दूध चाहिए, एक किलो दूध, एक पाव दही। ओए गर्मी देख रहे हैं आप कितनी हो रही है, गर्मी ने पागल कर रखा है। गर्मी आज बहुत ज्यादा हो रही है, लग रहा है बारिश होनी दोबारा। बारिश के तो ताक्सुरात ही नहीं है ना जाने की, बारिश तो होनी है। कितना दूध चाहिए भाई? आधा किलो। आधा किलो दूध चाहिए, आधा किलो दूध। ये 1.5 किलो भाई। बहुत गर्मी है आज, गर्मी बहुत है, पागल कर दिया गर्मी ने एकदम ना। और खुला नहीं होगा आपके पास भाई? आजकल आपको पता है दूध पे इतनी मुसीबत आई हुई है, महंगे पे महंगा हो रहा है, सस्ता भी नहीं हो रहा कहीं पर भी दूध। भाई मेरा क्या किलो लगाया भाई? दूध 110 रुपये हो गया है। ये पकड़े दूध, ये पकड़े पैसे। ये तो भाई आपके दूध से बच गए, सही है। ये 50 रुपये मेरी तरफ से। 50 रुपये किस बात के? मतलब ये 50 रुपये आप रख लें एहतियातन तौर पे। इसलिए मतलब ये दूध है ना, इस टाइम पे इस दूध से आपको हो सकता है मलेरिया भी हो सकता है, आपको काली खांसी भी हो सकती है, फॉलिज भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी बीमारी लग सकती है। खरीद रहे हैं बीमारियां, खरीद रहे हैं। मतलब हम इसके साथ आपको हल भी तो दे रहे ना, काय गाल दे रहे हैं। आगे डॉक्टर है, डॉक्टर शादमानी। ये 50 रुपये मेरी तरफ से आपको दूध के साथ है। ये इसलिए दिए हैं, खुदा न खास्ता दूध पीने के बाद कोई बीमारी हो जाए, कोई बुखार आ जाए किसी को, कोई काली खांसी हो जाए, फालिज का अटैक हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो सामने डॉक्टर है, आप उसको दिखा सकते हैं फौरन। क्यों भाई? मतलब है दूध में इतनी मक्खियां हैं कि मैं अभी 100-150 मक्खियां एक किलो दूध में निचोड़ रहा हूँ। पागल वागल हो रहा है, अपने बात रख यार, क्या हो गया? खुदा न खास्ता घर जाते ही चाय पी आपने, इससे कोई बीमारी आ गई, तो डॉक्टर शादमानी बैठा हुआ यहाँ पे। ये पैसे उसकी फीस के, डॉक्टर की फीस 50 रुपये रख लो। अब ओए इंसान बन के बात कर, मेरे से क्या बात कर रहा है? ये मकसद ये है कि मक्खियों का दौर है, बारिश हुई है, दौर है, तो तू दूध बेचना बंद कर देना, दुकान बंद कर दी। अभी मैंने 2-2.5 लाख मक्खियां निचोड़ी हैं दूध में, तो अब आप बताओ इससे बीमारी हो सकती है ना या नहीं हो सकती है? कोई भी बीमारी लग सकती है आपको, फालिज भी हो सकता है, मिर्गी के दौरे भी पड़ने लग सकते हैं। मतलब दूध सही है, बारिश की वजह से इतनी मक्खी पैदा हुई है कि 2.5-3 लाख मक्खियां तो अभी मैंने दूध में से निचोड़ी हैं। थोड़ी चाहिए सर, मतलब सारी दुनिया में दूध ऐसा ही मिलेगा? सारी दुनिया में क्यों मिलेगा? इस टाइम पे कोई जगह ऐसी है जहाँ मक्खी नहीं है? 1 किलो में 150 मक्खियां निचोड़ना पड़ती है, आपको पता है? 150 मक्खियां? तो तेरा दिमाग खराब हो गया? मतलब मैंने डाली है मक्खियां क्या? तो किसी ने भी डाली तो बच्चे बीमार करेगा यहाँ पे। यहाँ पे दूध आता है वहाँ से 2000 तो वहाँ से निचोड़ के लेके आते हैं, बगैर मक्खी का कभी दूध पिया है? अगर तो इंसान नहीं बनेगा क्या? अरे भाई मैं सही तो कह रहा हूँ, हाथ अड़ा के बात कर रहे हो। हाथ मैंने कोई मुंह पे थोड़ी लगाया। बात तो सुनो, इतना गर्म क्यों हो रहे हो? आराम से, यही तो बोला दूध में मक्खियां हैं, अगर तुमने पी लिया कैंसर हो गया। क्या बकवास कर रहा है? ऐसी बीमारियां होती है ना मक्खियां निचोड़ने से। तेरे मुंह पे दूध मारू खेच के भी है? नहीं मारो मारो नहीं, बात सुनो, ये दूध नहीं चाहिए मुझे, सही दूध चाहिए। मतलब सही दूध है ये? करो ना, मैंने साफ करा है ना, मैंने आपके मैंने हाथ से नहीं करा, मक्खियाँ घोली नहीं है मैंने उसके अंदर भाई, मैंने कपड़ा डाल के छलनी डाल के। फ्रेश दूध आएगा वो चाहिए मुझे भाई, फ्रेश है, अभी 1 घंटा पहले आया। बाड़े में भी 1-1.5 लाख मक्खियाँ निकाली है, यहाँ पे हमने दुकान पे भी निकाली है। मैं बेच रहा, बीमारी बेच रहा, ये मक्खियाँ मैंने पाली है। फिर किसने पाली ये? भाई हवा में खुद ही आ रही है ना यार, तुम जो ना मेरे को पैसे वापसी दे, मेरे को नहीं चाहिए भाई, दूध ही मिलेगा यार। भाई मेरे को पैसे दे यार, छोड़ ये 50 यार, मेरा दिमाग नहीं खराब कर, समझ गया ना? मैं 50 रुपये बहुत सीरियस आदमी हूँ, समझ गया ना? तो मेरे पैसे वापसी दे, छोड़ दूध क्यों टेस्ट करवा रहे हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने को टेस्ट करवा लेना, पैसे तो दे रहा हूँ मैं आपको, पैसे दे रहा हूँ, साफ चीज लूंगा ना यार। मतलब दूध तो साफ ही है, देख लें आपको कहीं इसमें मक्खी नजर आ रही है? आप बोल लो, मतलब मैंने उसमें नहीं छोड़ दी ना यार, उसमें नहीं छोड़ दी मैंने, तो भाई खराब दूध कोई लूंगा मैं भाई। पिछले अभी कल की बात बता रहा हूँ आपको, एक खातून ले गई थी दूध, और जो है ना क्या कहते हैं, उन्होंने दूध पी लिया और डॉक्टर को नहीं दिखाया, सुबह फिर उनको फारिग हो गई वो। टिंट तो बड़ी चमक रही है, क्या हो गया? क्या हो गया? टिंट जो चीज चमक रही है उसका बोलू नहीं क्या?
मतलब अच्छी लगी, तकलीफ हो रही है इसमें, मतलब अच्छी लगी है ना, अच्छी लगी है। बहुत सही था जो बच्चे पीछे चपेट मारी और चलेगा बोला गंजे पटेल। दूध में कोई नजर आ रहा है कुछ आपको मक्खी? बकोल आपके निकाल दिया आपने? तो मतलब निकाल के दिए ना, निचोड़ के दिए ना मैंने यार, ऐसा ना कर। मैं आपको बीमारी का बता रहा हूँ, आराम से समझ। मतलब यही दूध है भाई, यही दे सकता हूँ और नहीं दे सकता मैं आपको, यही ले लो और जाओ। मेरे को ये दूध नहीं चाहिए भाई। क्यों नहीं चाहिए भाई? नहीं चाहिए ना, बस नहीं चाहिए भाई। नहीं बच्चे लेकिन जा, हमारे बच्चे बीमार नहीं करने भाई, हमारे पैसे पूरे भाई, पैसे नहीं है फिर जा भाई, ऐसे दूध छोड़ आए मेरी यार। ये तो फिर तू दिमाग खराब कर रहा है मेरा यार। अरे बार बार यार, मैं बार बार नहीं चाह रहा हूँ, मेरा हाथ ना उठे तो अच्छी बात थोड़ी यार भाई। नहीं चाहिए, मैंने अपने बच्चे बीमार नहीं करने। देखो मेरे भाई, शक्ल से आप ऐसे नहीं लग रहे कि खासो खास दूध पीने वाले हो, आप शक्ल से मेरे को ऐसे ही दो नंबर ही लग रहे हो। लेकिन हाँ। से आपको पूरे दिन हो, दो नंबर एक नंबर की बात नहीं, मेरे को सही चीज चाहिए। तो ये सही चीज दिए ना यार भाई, इसको क्या हो गया तेरे को? वापसी क्यों करूंगा, दूध सही तो दे दिया मैंने तुम्हें यार। आप वापसी करो, वापिस नहीं होता, ये पैसे दे रहा हूँ ना। कर इसको वापसी, कर इसको वापिस नहीं होगा ना। अबे वापसी करना इसको, अबे वापिस नहीं होगा ना। अबे भाई बात तो सुन, वापसी कर। अच्छा अबे बात सुन, वापसी कर। अबे दुकान टूट जाएगी हमारी यार, जहाँ से भी ले लो हमारे। वहाँ नहीं है, वहाँ तो साफ सुथरी दुकान है। ये इससे ज्यादा साफ सुथरी कहीं है? साफ सुथरी ये मशीनें लगाई हुई है दूध की, और क्या लगाया हुआ है मैंने यार, लगाई हुई है। आप ये पता नहीं क्या कर रहे हो आप भाई, मुझे नहीं पता दूध सही दो या पैसे भाई। पैसे 50 रुपए और दे रहा हूँ अलग, तो यार 50 रुपए चाहिए पूरे, पूरे पैसे चाहिए। इतना इसमें रोने की कौन सी बात है? रोने की बात है ना, इसमें रोने की कौन सी बात है? पूरे चाहिए। अबे मेरे भाई 50 रुपए के लिए ऐसी शक्ल बना रहा है यार, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया यार। ये ले यार, लेके जा यार। 50 रुपए रखे, हाँ मैं जा रहा हूँ, दूध ले जाओ। दूध लेके जाऊँ? हाँ मैं पैसे रख ले रहा हूँ उसमें। इतना हाइपर हो रहा है यार। हाइपर की क्या बात होती है, मेरे पैसे बात सीधे, बस बात खत्म हो गई। वैसे दूध में मक्खियाँ नहीं गिरती हैं क्या यार? मैं कह रहा हूँ बांध दे इज्जत से। अच्छा मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, दूध में मक्खी नहीं गिरती क्या यार? भले गिरती होगी लेकिन हम अपने बच्चे बीमार नहीं कर रहे, हमें पीना ही नहीं है दूध, हमें पैसे दे वापसी यार। क्या चाह रहा है तू? ऐसा ही दूध मिलता है यार इन हालात में तो, बारिश के मौसम में तो। बताऊँ अभी कैसे दूध निकलता है? कहाँ से मिला तुमने अच्छा दूध लिया? बट पैसे मैं अच्छा वाला ले लूंगा आगे से जाके, मेरे को पैसे दे तो रहा हूँ 50 रुपए डॉक्टर की फीस यार। नहीं चाहिए ना भाई मेरे को पैसे चाहिए। आप रखो, मैं देखो रेट पढ़वाऊंगा तुम्हारी दुकान पर। पैसे भी नहीं ले रहे और दूध भी देके जा रहे हो? हाँ दूध रखो, मैं रेट पढ़वाऊंगा तुम्हारी दुकान पर। मतलब मजाक ऐसा करा है, मैं आसिम सन्नाटा मेरा नाम है, मैं छोटा सा एक कॉमेडी चैनल चलाता हूँ यार, उसके लिए मैंने कैमरा लगा के मजाक करा है। दूध में मक्खी कोई नहीं गिरी है, सीजन मक्खियों का है वो, मैंने कैमरा लगाया हुआ है। हाथ दिला दे जरा सा, ये मैंने थोड़ा सा आपसे मजाक करा है। दूध बिल्कुल सही है, कोई दूध में मक्खियाँ नहीं है। ऐसे मजाक तफरी कर रहा था मैं बैठे बैठे ना लोगों से। अच्छा। तो वो क्या कहते हैं, तफरी हो गई आपसे भी, मैंने छुपा के कैमरा लगाया हुआ है। अरे गाड़ी बना के लाओ, बोला आसिम तनाड़े को सच्चा यार। आईकॉन का एक कैप दे दो इनको यार, इनकी टेंट को बहुत कम जरूरत है आईकॉन के कैप की, एक लाके दिया जाए यार। आईकॉन प्लस की तरफ से आपको एक कैप दिया जा रहा है। ये वो चीज है आईकॉन जिसकी बहुत सारी पॉलिश है, अगर तुम सर पे मारोगे ये भी चमक जाएगा तुम्हारा। ये आईकॉन की तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। आईकॉन प्लस चमका है।